कर पिंजरे में से केज में से खुला हुआ आ गया दोस्तों। तो इसको पकड़ कर लेकर आते हैं नहाने से बचने के लिए। देखो कहाँ पर जाकर छुप रहा है, सो बैठा है वो घूम रहा है। तो इसको जी मिट्टी के अंदर पूरा गंदा हो जाएगा, उससे पहले इसे पकड़ कर नहलाते हैं। है रोमियो रोमियो, तो देखो बचने से कैसे भाग रहा है, लेकिन फाइनली हमारे ये हाथ में आ गया मिट्टी से। देखो ये पूरा कितना गंदा हो गया, तो इसे जाकर नहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सराम फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। तो आज अपने अपने डॉग है जो इनको नहलाएंगे। इनके पिस्सू जू होती है वो काफ़ी हो गए थे, उस वजह से कुछ फीमेल है अपनी ब्याहनी वाली और कुछ एक फीमेल ब्याही हुई है। तो सभी को आज एक साथ नहलाएंगे और इसके पाउडर एक जू इसकी ख़त्म करने के लिए एक पाउडर आता है। तो दोस्तों जो हमारे पास ये बाल्टी वगैरह पानी की पाइप और जो पार्क घास जहाँ पर अपने फार्म में उगा हुआ, इस घास के ऊपर इनको आराम सुकून से नहलाएँगे जी। शाम का लमसम 3 बजे हुए हैं तो मौसम भी कुछ ठीक हो रहा है। तो सभी डॉग को, 3 डॉग ये है और अपने बड़े वाले टाइगर और जितने भी सारे डॉग हैं, इनको सभी को नहलाएंगे। और नहलाने के बाद में एकदम से दोस्तों ये अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि जो इनके ऊपर जो पिस्सू और जूँ और जो चीचड़ होते हैं वो इन पर अटैक काफ़ी हो रहा है। तो ये काफ़ी अपने मतलब पैरों से अपने आप को ये खुजली करते हैं, क्योंकि जो पिस्सू जो इनको काटते हैं तो वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये स्पेशल शैम्पू का काफ़ी लंबा चौड़ा जमावड़ा हम लोगों ने इकट्ठा किया जी। दोस्तों ये पाउडर है, तो ये देखो ये डॉग के लिए ये पाउडर होता है जी, आपको दिख भी रहा होगा सामने, चिच्चड़ जूँ पिस्सू तो ये सभी को, और मक्खी होती है जो इनको खाती है, इनका खून चूसती है, तो उनको ये उनका विनाश कर देगा। अगर आप भी पेट लवर हो, पेट पाल रखे, तो दोस्तों ये जरूर यूज करें। और ये आ गया इनके लिए अपने शैम्पू, तो ये शैम्पू भी पिस्सू जूँ और चीचड़ ये सभी को ख़त्म करता है दोस्तों। इधर टर्की वगैरह भी हमारे घूम रहे हैं और इनको अब हम लोग नहलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले अपने नॉर्मल शैम्पू है जो इसका यूज करेंगे, क्योंकि इनको वॉश करने के लिए इसके अंदर जो गंद जो मैल फंसी हुई है बालों में, वो सारी की सारी इस शैम्पू से वो दूर हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग इसको स्पेशल पेट के जो इनके शैम्पू है जो चिच्चड़ जूँ पिस्सू सबको ख़त्म कर देते हैं, तो वो इनके लगाएंगे दोस्तों। तो आखिर में इनको सूखने के बाद हम लोग एक हल्की सी इनके ऊपर कंघी मार के ये बड़ा पाउडर लगाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए दो बाल्टी के अंदर, एक के अंदर ये शैम्पू का गोल कर रखेंगे और इस दूसरे के अंदर जूँ चिच्चड़ वाला जो स्पेशल पेट के लिए शैम्पू है वो गोल कर रखेंगे। तो इस बाल्टी के अंदर हम लोग शैम्पू डालेंगे और इसके अंदर पेट वाला जो स्पेशल शैम्पू है वो डालेंगे। इस वाली बाल्टी के अंदर हम लोगों ने शैम्पू है वो नॉर्मल शैम्पू है वो यूज कर लिया, तो ये एक थैली ख़त्म कर दिया इसके अंदर डालकर। तो दोस्तों ये वाला पैकेट पूरा ख़त्म हो गया, तो मतलब काफ़ी डॉग होने के कारण ये सारे का सारा शैम्पू है जो आधा उसमें से भी यूज किया। तो ये पूरा एकदम बाल्टी अपने पास तैयार शैम्पू की हो गया। तो सभी को इन शैम्पू से नहलाएंगे और इनके जो पिस्सू और जूँ है जो अटैक है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अपने बिस्की को नहलाने लग रहे हैं, तो इसका कोड देखो काफ़ी बड़ा कोड इसके ये जहाँ पर लगा हुआ है, तो जहाँ पर पिस्सू भी नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक जहाँ से भाग कर जा रहे हैं। जब ये शैम्पू लगाएंगे तो पूरा मतलब एकदम से ये साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो शैम्पू के अंदर खुशबू भी है, 2 दिन तक अपने डॉग के अंदर पेट के अंदर अच्छी सी खुशबू है वो आती रहेगी। तो इसको अच्छे से नहलाकर इसके ऊपर शैम्पू लगाएंगे दोस्तों। पहले सबसे पहले इसके ऊपर अपने शैम्पू लगाएंगे। ये देखो जी पूरी हमारी सीखी हुई है, आराम से रुक जाती है, मतलब नहा रहे हैं तो एकदम से जी खड़ी हुई है, ऐसे मालूम है कि नहलाया जा रहा है। फाइनली गाइस हम लोगों ने 2 फीमेल अपनी डॉग है उनको नहला दिया और शैम्पू लगा कर एक बार छोड़ दिया, बाद में दोबारा नहलाएंगे। तो इसका नंबर है, तो सैफी को अभी नहला रहे हैं, तो इसके शैम्पू वगैरह लगाकर पूरा छोड़ देंगे। इसके ऊपर हमने चेक किया कि काफ़ी सारे चीचड़ हैं वो लगे हुए थे, तो सारे के सारे एक आधा घंटा इनको ऐसे ही छोड़ेंगे, तो जो सारे चीचड़ जूँ जो कुछ भी है सभी का सभी मर जाएगा और एकदम कुत्ते या डॉग अपने क्लीन हो जाएंगे। तो उसके बाद में ये दोनों रह रहे हैं और आखिर में लास्ट में फाइनली हम लोगों ने टाइगर को नहलाएंगे। और टाइगर आप देखना कि जितनी दवा इन पर नहलाने के लिए जितना पानी और जितना लगा, अकेला टाइगर इन सभी के जितना तो खाना खाता है और सभी जितना ही वो शैम्पू यूज होगा उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जो इनके सभी के क्षेत्रफल के हिसाब से उनका अकेले का उतना दायरा वो बन जाएगा। तो गाइस अब नंबर आ गया चीकू का, तो ये भी टॉय कल्चर की बच्ची है जहाँ फीमेल है, ये भी ब्याहने वाली है, जल्द ही अपने बच्चों को जो जन्म दे देगी। बहुत ही खूबसूरती में पहला नंबर इसका, और जो वो सामने बैठी हुई है बीच में वाइट, इन दोनों का आता है। वाइट वाली ने तो 2 बच्चे दे दिए, लेकिन अभी इसका अभी टाइम रह रहा है, 10-15 दिन के अंदर ये भी अपने बच्चों को जन्म है वो जन्म दे देगी और बच्चे दे देगी। फाइनली हमारा जो डॉग है मिस्टर रोमियो, इसको भी नहलाने लगे हैं। तो आज सभी डॉग को एक साथ इकट्ठा ही नहलाएंगे और पाउडर इसके एंड में ये पाउडर है पाउडर भी लगाएंगे। तो ये चारों के चारे नहाने के बाद में जहाँ पर बैठे हुए हैं, हल्का सा इनको सर्दी महसूस हो रही है, लेकिन गर्मियों के दिन है कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी के अंदर इसे नहीं नहलाया जाता, गर्मी के अंदर इसे प्रॉपर 10 दिन के अंदर नहला कर ये शैम्पू जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो आप कितने दिन ही नहला सकते हो, लेकिन शैम्पू के लिए 10 दिन के अंदर आप ज़रूर लगा दो। तो फाइनली साफ़ पानी से इनको नहला रहे हैं जी, तो
बिस्की, अभी बिस्की को नहला रहे हैं और इससे पहले जूली को नहला दिया, तो नहलाने के बाद धूप के अंदर इसे बैठा दिया गया, मतलब इसके जो ऊपर का कोट है वो पूरा से एकदम से सूख जाएगा, उसके बाद में बिस्की का नंबर लगा देंगे। तो बिस्की अभी 2-4 दिन के अंदर हमारी ये वाली फीमेल है जो बच्चे दे देगी, तो उससे पहले इसे एक बार नहला दिया जाए और पिस्सू वगैरह इससे ख़त्म हो जाए। आपको पास में से भी दिखाते हैं, तो ये डॉट डॉट ब्लैक कलर के अंदर आपको दिख रही है जी पिस्सू, इसके ऊपर इसको काट रहे थे, मतलब उससे ये काफ़ी तकलीफ और परेशानी में थे। तो दोस्तों हम लोगों ने कल देखा था कि ये अपने सभी अपने आप को खुजला रहे थे अपने पैरों से, तो उस वजह से हमने फाइनली कल सोच लिया था कि कल के दिन अगर अच्छी धूप निकली तो उन्हें ज़रूर नहलाएंगे। तो आज अच्छी धूप निकल गई, आज सभी अपने टॉय कल्चर को नहला रहे हैं। क्यों इधर? तो दोस्तों हमारा जो होमियो निकल कर पिंजरे में से केज में से खुला हुआ आ गया दोस्तों, तो इसको पकड़ कर लेकर आते हैं नहाने से बचने के लिए। देखो कहाँ पर जाकर छुप रहा है, तो इसे भागने नहीं देंगे, इसको नहलाएंगे। अभी इसके शैम्पू वगैरह लगाया था, उसके बाद में जो आकर वहाँ से भाग आया और इधर छुप गया। जाए देखो वो बैठा, वो घूम रहा, तो इसको जो मिट्टी के अंदर पूरा गंदा हो जाएगा, उससे पहले इसे पकड़ कर नहलाते हैं। ऐ रोमियो रोमियो, तो देखो बचने से कैसे भाग रहा है, लेकिन फाइनली हमारे ये हाथ में आ गया। मिट्टी से देखो ये पूरा कितना गंदा हो गया, तो इसे जाकर नहलाएंगे। तो लास्ट के अंदर टाइगर को नहलाएंगे, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको दिखाएंगे काफ़ी ज़्यादा पिस्सू इसके पड़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुजलाता था। तो इसको नहलाने के बाद में इसके पिस्सुओं से इसको मतलब एकदम से राहत मिल जाएगी, चेचड़ और पिस्सुओं से। तो बारी है लास्ट में टाइगर, देखो दोस्तों ख़तरनाक पाकिस्तानी बुली डॉग, पर बाकी अपना डॉग ये बिल्कुल फ्रेंडली है, बदनाम ही है ज़्यादा। तो ये हेड्स हैं जो और ख़ुद मतलब बहुत ही हट्टा कट्टा है एकदम देखने के अंदर। तो लास्ट के अंदर हम लोग अपने टाइगर को नहलाने जा रहे हैं दोस्तों, इसके काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पिस्सू, क्योंकि इसके ऊपर कोट कम होने के कारण सबसे ज़्यादा इसी पर नज़र आते हैं। तो इसको देखकर बाकी के डॉग देखो कितने अग्रेसिव हो रहे हैं, तो टाइगर को बोल रहे हैं कि हमारे पास मत आओ। सो दोस्तों जो कितने आराम से नहा रहा है, इसको भी मालूम है कि इसे नहाने के बाद में काफ़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि चिचड़ जूं से इसको निजात मिल जाएगी। तो ये पानी इसके लिए बचा कर रखा हुआ है हमने, ये दोनों बाल्टी के अंदर शैम्पू वाला और चिचड़ों वाला। सो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने ये सारे के सारे अपने डॉग है टाइगर को नहला कर पीछे बांध दिया, तो उसको शैम्पू लगा कर ही छोड़ दिया, उसको कल को नहलाएंगे और एक उसके इंजेक्शन भी लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिस्सू उसके हो रहे थे। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियो लगातार आई जाएगी। और कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।